الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين ربي زدني علما يا فتاح या फत्ता या फत्ता। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक बार फिर अपनी हफ्तावार मजलिस में शामिल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका को सीखने की कोशिश से नियत से एक प्रोग्राम कर रहे हैं कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में जितनी भी आपकी मुबारक सुन्नतें थीं उनको हम अपनी ज़िंदगी में लेके आ सकें। पिछली दफ़ा हमने सोने से मुतल्लिक, सोने और सो के जागने से मुतल्लिक जितनी सुन्नतें थीं उनके बारे में तस्करा किया और इंशाल्लाह आज जिन सुन्नतों के बारे में हम ज़िक्र करेंगे वो पर्सनल हाइजीन, अपनी अपनी अपने अपनी ज़ात को सफाई से मुतल्लिक उनका ताल्लुक है। बहुत अहम चीज़ है, हमारा दीन हमें साफ़ रहने और सफाई को मेंटेन रखने की बहुत तलकीन करता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत मुबारका के अंदर भी सफाई बहुत ज़्यादा मौजूद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात का ख़ास ख्याल रखते थे कि उनकी ज़ात से कभी किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे और अपनी ज़ात से तकलीफ़ ना पहुँचाने में हमारे मुँह से आने वाली खुशबू या बदबू, हमारे जिस्म से आने वाली खुशबू या बदबू, हमारी अपनी पर्सनल हाइजीन की जो चीज़ें होती हैं वो सब इसमें शामिल हैं। और जैसा कि मैं हर दफ़ा अपने आप को समझाने के लिए ये बात दोहराता हूँ, आज फिर मैं इसका ज़िक्र करूँगा कि अगर ये रोज़मर्रा के मामूलात हम इस नियत से करें कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है और इनको करते वक्त सुन्नत की नियत दम ज़हन में रखें और सुन्नत तरीके से इनको करें तो ये रोज़मर्रा की चीज़ें हमारे लिए इबादत बन जाएंगी। अल्लाह सुब्हाना ताला को मनाने का सबसे आसान तरीका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करने में, उनकी नियत करके काम करने में, हर रोज़ का काम जो हम दिन में कई दफ़ा हफ्ते में कई दफ़ा करते हैं वो सब इबादत बन जाए। लिहाजा आज जिन चीज़ों का ज़िक्र किया जाएगा वो भी हम अपनी आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम शाम करते हैं, इनको करते हुए भी अगर हम नियत सुन्नत पे अमल करने की कर लें और सुन्नत के तरीके से करें तो इंशाअल्लाह इसका अजर भी हमें इबादत का मिलेगा। मैं खुशबू की बात की तो उसी से शुरू करते हैं। हमें पर्सनल हाइजीन के अंदर इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि हमारे जिस्म से, हमारे कपड़ों से, हमारे मुंह से बदबू ना आए। ये बहुत अहम चीज़ है कि लोग ये बात तो समझ लेते हैं कि प्याज खा के या लहसुन खा के मस्जिद नहीं जाना चाहिए तो इस वजह से वो शायद प्याज की कराहत दिल में पैदा कर लें, लेकिन उसका असल मकसद ये है कि प्याज खाने के बाद या लहसुन खाने के बाद जो अगर नमाज़ पढ़ते हुए अगर आप किसी के साथ खड़े हुए हैं और आपको बिकॉज लहसुन जो है वो वैसे ही डाइजेशन में हेल्प करता है तो उसके बाद डकार आ जाता है और उस डकार में बहुत ज़्यादा कराहत होती है, स्टेंच होती है, बदबू होती है, तो वो जो बंदा आपके साथ खड़ा नमाज पढ़ रहा है उसकी नमाज के खुशबू में हायल होती है, इसलिए उससे मना किया गया। अंडरलाइंग रीज़न ये है कि हमारे किसी अमल की वजह से हमारे इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं उनको तकलीफ़ मौजूद ना हो। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक का इतना कसरत से इस्तेमाल करते थे क्योंकि उससे मुंह की जो
मुंह में बदबू नहीं पैदा होती। हम भी जब सुबह उठें ब्रश ज़रूर करें ताकि हमारे जो मुंह की बदबू है वो दूर हो जाए। अगर हम किसी से मिलने जा रहे हों तो कोई माउथ फ्रेशनर यूज़ कर लें। हम खाना खाने के बाद माउथ फ्रेशनर का इस्तेमाल करें, और ख़ास तौर पे हम जिस मर्द हजरात जिस चीज़ में बहुत कैजुअल हो जाते हैं वो ये है कि जब हम अपनी जोजा के पास जा रहे होते हैं तो हम इस बात का ख्याल नहीं करते कि उस वक्त हमारी जो फिज़िकल कंडीशन है वो क्या है। क्या हमारे मुंह से बू आ रही है, जिस्म से बू आ रही है। हमारे अपने आप को फिज़िकली अपीलिंग बनाना जैसे हम चाहते हैं कि वो अट्रैक्टिव हों, वैसे ही हमारे ऊपर भी उतना ही ये ज़रूरी है कि हम भी इन चीज़ों का ख्याल रखें कि उनके दिल में कराहत ना पैदा हो। अगर हम हमारे मुंह से बदबू आ रही हो, मुंह के अंदर खाने का टेस्ट हो, अभी जो खाना खा के आए हुए हों वो उसी का स्मेल हो, उसी का वो जायका हो, तो ये चीज़ अगले के लिए कराहत का सबब है। शायद उनके लिए आप मतलब इट मे बी समथिंग विच मे पुट देम ऑफ, मतलब उनके लिए वो आपको उनको डिसइंटरेस्ट करने का सबब बन सके। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक का अहतमाम करते थे, घर में दाखिल होते हुए मिसवाक का अहतमाम करते थे, अपनी ज़ौजैन के पास जाने से पहले मिसवाक का अहतमाम करते थे। ये सब चीज़ें इसीलिए थी ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। इसी तरह हम खुशबू का इस्तेमाल करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब तरीन अमलों में से एक अमल था। खुशबू का इस्तेमाल करना, अच्छे से अच्छा खुशबू रखना, ये सुन्नत का हिस्सा है। एक तो है कि आप अपने कपड़ों के ऊपर जो इतर लगाते हैं या परफ्यूम लगाते हैं वो है। एक है जो आप अपनी बॉडी के ऊपर बॉडी स्मेल को दूर करने के लिए, पसीनों की बदबू को दूर करने के लिए जो डिओड्रेंट का इस्तेमाल करते हैं। बहुत से मर्द हजरात ऐसे होते हैं कि आप उनके पास नहीं जा सकते क्योंकि उनकी बॉडी ओडोर इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि बंदा बर्दाश्त नहीं कर पाता, और उनको ख़ुद इस बात का एहसास ही नहीं होता बिकॉज़ वो तो अपनी उसमें रह रहे कि उनको कोई उसका पता ही नहीं चलता। जब भी कोई ऐसा काम हो जिसमें पसीने आए हुए हों या कुछ हो, उसके बाद नहा के साफ करके अपने आप को खुशबू डिओड्रेंट लगाना चाहिए। सुबह काम पे जाने से पहले डिओड्रेंट का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो पसीनों को निगेट करता रहे, उसकी बदबू को निगेट करता रहे, और आपके इर्द गिर्द काम करने वालों को कराहत ना महसूस हो। ये हमारे दीन का हिस्सा है, इसमें कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं है, ये हमारे दीन का हिस्सा है कि हमारे जिस्म से किसी को बू, हमारे जिस्म की बू जो है वो किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए। इसी तरह अपने जो अंडर गारमेंट्स हैं, जस्ट बिकॉज वो किसी को नज़र नहीं आ रहे होते इसका ये मतलब नहीं है कि बस वो उसी को पहनते चले जाएँ। उनको रेगुलर बेसिस के ऊपर चेंज करते रहना चाहिए। उनको अपनी बनियान को, अपने बाकी अंडर गारमेंट्स को रेगुलर बेसिस के ऊपर, रेगुलर से मुराद ये कि रोज़ का रोज़ बदल सकते हैं तो रोज़ का रोज़ बदलना चाहिए ताकि उनमें पसीनों की बू, उनमें अपने बेडशीट्स को, अपने तौलियों को, हर चीज़ में जिसमें इस्तेमाल के बाद बू आ जाती है उसको बदलना चाहिए। वो हाइजेनिकली भी सही नहीं है, और दूसरा आपके जिस्म से वो बू बनने का सबब भी बनते हैं, लिहाजा इनका भी ख्याल रखना चाहिए। फिर अपने कपड़ों के ऊपर, ख़ास तौर पे जब किसी से मुलाकात करने जा रहे हों, कोई मेहमान आए हों, किसी से आपने मीटिंग करनी है या अपने घर वालों के पास जा रहे हों, तो खुशबू का कसरत से इस्तेमाल करें। एक बहुत लोगों के बहन में आम सवाल होता है कि क्या सिर्फ हम इतर ही लगाएँ या हम ये जो मार्केट में परफ्यूम्स मिलते हैं इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ जहन में रखें, जो इनमें जो अंदर अल्कोहल होता है वो केमिकल अल्कोहल होता है। वो जो हमारा फिकी तौर पर जो अल्कोहल है वो वाला अल्कोहल नहीं होता, ये बाय केमिकल अल्कोहल होता है। इसलिए इनको इस्तेमाल करने से कोई हर्ज नहीं है, ख़ास तौर पर जिनके ऊपर, जिन परफ्यूम्स के ऊपर जो है इस चीज़ की इंडिकेशन भी होती है, उनको इस्तेमाल करने में हर्ज नहीं है। तो आप इनको खुशबू अच्छी इस्तेमाल करनी चाहिए, इसमें ज़्यादा बहाने नहीं ढूंढने चाहिए कि हम करें ना करें। ये बात जहन में रखें कि आपके जिस्म से बदबू नहीं आनी, खुशबू आनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ का भी ख्याल रखें।
हम अक्सर खुद हमारे पास एक इतर की बोतल होती है और हम चाहते हैं कि अब हम इतर हर एक के हाथ के ऊपर लगाना शुरू कर दें। इसमें भी थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, ख़ास तौर पे इतर की जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है उससे उनको इंस्टेंट उससे सर में दर्द शुरू हो जाती है। तो अगर आप किसी को ऑफ़र करें और वो आगे से कहे कि नहीं जज़ाकअल्लाह, तो उसके ऊपर कुफर का फतवा नहीं लगाएं और ना ही उसको कहें कि ये तो बहुत ही बद अखलाक इंसान है। हो सकता है कि उसके वो जो है वो स्मेल सेंसिटिव हो, उसको माफ़ कर दें और उसके आगे किसी और दूसरे को कर दें। ठीक है, तो ये भी हमारे जो दीनी भाई होते हैं उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा वो होती है कि बस वो कोशिश करते हैं कि हर एक के ऊपर जो है वो इतर लगाते ही चले जाएँ। तो अगर नहीं है, वो बंदा कह रहा है कि नहीं अभी मुझसे नहीं लगवाना, तो उसको छोड़ के अगले के ऊपर चले जाएँ, कोई उसमें मुजायका नहीं है। लेकिन बॉटम लाइन ये कि अपनी मुंह की स्मेल, अपने जिस्म की स्मेल और अपने कपड़ों से आने वाली खुशबू का खास ख्याल रखें, ख़ास तौर पर लोगों से मिलते वक्त, बाहर जाते वक्त और हत्ता के नमाज में आते वक्त भी इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मस्जिद जाते हुए खुशबू लगा के जाएं ताकि आपके इर्द गिर्द वाले लोगों को घिन महसूस ना हो, उनको उनकी बू ना आए। उनको खाना खाते वक्त, खाना खाने के बाद कोशिश करें कि कुल्ली कर लें, माउथ फ्रेशनर यूज़ कर लें ताकि उस खाने का जो है वो टेस्ट और खुशबू आपके मुंह से बाकी ना आती रहे। तो इन छोटी सी बातों का ख्याल रखना चाहिए। ये तो होगी खुशबू के मुतल्लिक सुन्नत। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ जो साथी अभी ज्वाइन कर रहे हैं कि आज की जो डिस्कशन है वो सारी की सारी पर्सनल हाइजीन के मुतल्लिक है। अपनी पर्सनल हाइजीन में किन किन चीज़ों का उस बतौर सुन्नत ख्याल रखना चाहिए, और क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि हर माशरे की हर मज़हब इनकी तलकीन करता है, बल्कि गैर मजहबी लोग भी इनका ख्याल रखते हैं। लेकिन फ़र्क इतना है कि अगर हम इन चीज़ों को पर्सनल हाइजीन को भी सुन्नत के मुताबिक करेंगे तो अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना भी हमारे लिए इबादत बन जाएगा। ये हमारे दीन की खूबसूरती है, हर वो चीज़ जो सुन्नत के मुताबिक की जाए वो इबादत बन जाती है। लिहाजा खुशबू लगाना ये भी इबादत, माउथ वॉश यूज़ करना ये भी इबादत, ब्रश करना ये भी इबादत, अगर नियत सुन्नत के मुताबिक करने की हो और सुन्नत के तरीके से करने की हो। सुन्नत का तरीका क्या है? खुशबू लगाते वक्त राइट साइड से शुरू करें, राइट साइड से जो भी चीज़ काम कर रहे हैं उसको राइट साइड से शुरू किया जाए, तो ये सुन्नत तरीका होता है। राइट साइड से मत खुशबू लगाएं तो कोशिश करें कि अपने शोल्डर्स के ऊपर खुशबू लगाया जाए, चूँकि आपने लोगों से मिलना होता है, लोगों ने आके अगर आपसे गले मिलने हो तो उस वक्त वहाँ से उनका वो होते हैं। औरतें खुशबू जहाँ मर्जी उनका दिल चाहे लगाएं, उसमें कोई जायका नहीं है। अगली सुन्नत सुरमा लगाने की सुन्नत। सुरमा लगाते वक्त दो तीन सुन्नतें मनकूल हैं। एक ये कि दोनों आँखों में तीन तनीन सिलाई लगाई जाए, पहले दाएं में तीन सिलाई लगाई जाए, फिर बाएं में, पहले राइट साइड पे, फिर लेफ़्ट साइड पे। और ये भी सुन्नत में मौजूद है कि दोनों आँखों में दो सिलाई लगाई जाए और फिर जो है वो दोनों आँखों में एक एक लगाई जाए, यानी कि दो दफ़ा एक में लगा के, दो दफ़ा एक में लगा के, फिर एक में एक में, या फिर एक दो एक दो एक दो, इस तरह, यानी कि 1 by 1 तीन दफ़ा, या दो दफ़ा एक आँख में लगा के, दो एक दफ़ा एक दूसरी आँख में लगा के, फिर एक एक दफ़ा एक आँख में लगाना। ये दोनों तरीके सुन्नत से मौजूद हैं। सोते वक्त हर आँख में तीन तीन सिलाई सुरमा लगाना मर्दों औरतों दोनों के लिए मसनून है। सुरमा लगाना मर्दों औरतों दोनों के लिए मसनून है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि असमत का सुरमा ज़रूर डाला करो। असमत एक सुरमे की एक किस्म है। असमत का सुरमा लगाना ये अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो निगाहों को रोशन भी रखता है और पलकों को भी खूब बढ़ाता है। तो सुरमा लगाना उन सुन्नतों में से है, जैसे मिसवाक करना उन सुन्नतों में से एक है जो कि आजकल बहुत कलील होते जा रहे हैं। इसी तरह सुरमा लगाना भी जो है वो बहुत कलील होता जा रहा है। अगर हम कोशिश करें कि हम सुरमा लगाएं कम से कम एक आध बार महीने में लगा लिया जाए, तो उसमें इंशाल्लाह इस सुन्नत को पूरा करने की भी हमें सवाब मिलेगा। अलबत्ता जैसे मैंने पहले कहा कि सुरमा लगाने में
इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि सुरमा अच्छी क्वालिटी का हो। अनफॉर्चुनेटली आजकल बहुत से सुरमे ऐसे मिलते हैं जो कि आँखों को नुकसान पहुँचाते हैं। सुरमा असल हो और अच्छी क्वालिटी का हो, इस चीज़ का ख्याल रखें। फिर पर्सनल हाइजीन में एक और चीज़ जिसका ख्याल रखना, वह है बालों की सुन्नतें। बालों के बारे में क्या, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बालों को का ख्याल रखते थे। आपके बाल, सर मुबारक के बाल कभी अनटाइडी नहीं होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल कभी बिखरे हुए या उलझे हुए नहीं होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बालों को कंघी भी फरमाते थे, अपने बालों को धोते भी थे और बालों को तेल भी कसरत से लगाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बालों का ख्याल रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीच से मांग निकाला करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मांग बीच से होती थी। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि अफ्रीकन थे, तो अफ्रीकन जो हैं उनके बाल कर्ली होते हैं, उनकी मांग नहीं निकलती, कर्ली कर्ली बाल होते हैं उनके। तो उन्होंने क्या किया कि एक दफ़ा एक सलाख थी गर्म, वो गर्म सलाख ली और अपने सर पे यूँ फेर ली तो उनके बाल बीच में से जल गए और परमानेंट उनका वो निशान बन गया। उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया, उन्होंने कहा कि अब मेरे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह बीच में बालों एक मांग निकल आई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बीच से मांग निकाला करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब बाल लंबे होते थे, यानी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाल रखते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल कुछ हदीस मुबारका में आता है कि कानों तक आते थे, कुछ में आता है कि कानों के नीचे ये जो लोब्स हैं इन तक आते थे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वात पे तशरीफ़ लेकर जाते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल यहाँ गर्दन तक भी आते थे। तो आम मामूल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक जो हैं वो यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट पीछे तक, यहाँ कान मुबारक तक आया करते थे। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हेयर स्टाइल था। तो उसके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोपी रखते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामा पहना करते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेल ज़रूर लगवाते थे। और फिर जाहिर बात है कुछ अर्से के बाद बालों को रेगुलरली धोया भी करते थे। बालों को हमें भी इसी तरह अपना ख्याल रखना चाहिए। अगर बालों को कंघी करना, बालों में कंघी करने की सुन्नत भी यही है कि पहले राइट साइड से कंघी की जाए फिर लेफ़्ट साइड से कंघी की जाए। बालों को रेगुलरली धोते रहना, उनमें तेल लगाना, उनको नीट क्लीन रखना, ये इंसान की शख्सियत को उभारता, उसकी प्रेजेंटेशन को बढ़ाता है। इसका ख्याल रखना चाहिए। बालों को मुंडवा के, यानी कि अपने सर को गंजा करवाना, ये भी सुन्नत मुबारका का हिस्सा है कि जो हजरात बालों में कुछ कमज़ोरी रखते हैं, अगर वो अब गंज कर लें और गंज रखते हुए ये नियत रख लें कि मैं सुन्नत की नियत से बाल मुंडवा रहा हूँ, तो उनकी गंज रखना भी फैशन स्टेटमेंट के साथ साथ इबादत भी बन जाएगा और उनको इबादत का सवाब भी मिलेगा। बालों में, चेहरे के बालों में मर्दों के लिए दाढ़ी को बढ़ाना और मूंछों को कम करना, मूंछों को छोटा करना, ये सुन्नत मुबारका में शामिल है। मूंछों को कुतरने में मुबालगा करना भी सुन्नत में शामिल है। अगर हल्की हल्की मूंछें हों तो उसमें कोई एतराज़ नहीं, कोई वो नहीं, लेकिन मूंछों को साफ़ करना ये ज़्यादा बेहतर है। ज़ेरे नाफ, बगल और मूंछों के बाल और नाखून दूर करके साफ़ सुथरा रहना, ये सब फितरत का हिस्सा है, ये सब सुन्नत इब्राहिमी में शामिल है और इनको करते रहना चाहिए। जब हम अपने हेयर स्टाइल सेट कर रहे हों और उसके लिए हमें शीशा देखने की ज़रूरत महसूस हो, तो शीशा देखने की भी एक मसनून दुआ है। जब भी हम शीशा देखें, हेयर स्टाइल तो मैंने ऐसे ही कह दिया, जिस मकसद के लिए भी हम शीशा देखें, जब अगर हमें शीशा देखने का मौका मिले तो उस वक्त ये मसनून दुआ पढ़ लेना, ये भी इंशाअल्लाह हमें सीखनी चाहिए और उसको पढ़ते रहना चाहिए। बहुत खूबसूरत दुआ है। अल्लाहुम्मा अंता हस्सनत खल्की फहस्सिन खुलुकी, कि अल्लाह आपने जैसे मेरी सूरत को अच्छा बनाया ऐसे ही मेरे अखलाक को भी अच्छा बना लीजिए। अल्लाहुम्मा अंता हस्सनत खल्की फहस्सिन खुलुकी। तो ये तो हो गए बालों के मुतल्लिक सुन्नतों का। फिर आपके जो बगल के बाल हैं उनके मुतल्लिक भी कुछ सनन और आदाब है, ये मर्द औरतों दोनों के लिए हैं। असल सुन्नत बालों, बगल के बालों को प्लक करना है, उखाड़ना है, ये असल सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
सुन्नत इब्राहिमी को फॉलो करते हुए अपने बालों को उखाड़ा करते थे, लेकिन अगर उखाड़ने में अजियत हो तो बालों को मूंड लेना या शेव कर लेना, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। कितना फ्रीक्वेंटली करना चाहिए? मैक्सिमम लिमिट जो है वो 40 डेज है। 40 दिन से ज़्यादा इन बालों को ज़्यादा नहीं ग्रो करने देना चाहिए। इनको हर हफ्ते साफ़ किया जाए वो ज़्यादा सबसे बेहतर तो ये है, लेकिन अगर मैक्सिमम अलाउंस देनी हो, अगर आप बिल्कुल ही आप उसके बगैर चल रहे हो, तो 40 दिन से ज़्यादा इनको बगैर साफ़ किए नहीं रहने देना चाहिए। इसमें बेहतर तरीका, बल्कि मुस्तहब तरीका ये है कि पहले दाएं बगल को साफ़ किया जाए, फिर बाएं बगल को साफ़ किया जाए। इसी तरह मर्दों को अपनी सीने के बालों को और पीठ के बालों को नहीं साफ़ करना चाहिए। उनको अगर आप तो बहुत टेम्पटेशन हो रही हो करने की, तो उससे इज्तनाब करें। प्यूबिक हेयर, ज़ेरे नाफ बाल से मुतल्लिक आदाब। इसमें सबसे पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि ये जो ज़ेरे नाफ बाल कहा जाता है, ये एक कहने का तरीका है, इसको लिटरल नहीं लेना होता। कि बहुत से हज़रात जो हैं वो समझते हैं कि बिल्कुल जहाँ से नाफ शुरू हो रही है उसके नीचे से जितने भी बाल हैं उनको साफ़ कर देना। ज़ेरे नाफ से मतलब असल चीज़ जो है वो मुराद प्यूबिक हेयर्स की होती है, पेट के बाल उसमें शामिल नहीं होते। एक बात तो ये ज़रा ज़हन में क्लैरिफाई कर लेनी चाहिए। लिहाजा मर्द औरत के अज़ाए तनासुल के इर्द गिर्द जो बाल निकल आएँ इन्हें साफ़ करना मुस्तहब है। अब ये अज़ाए तनासुल जो है हम में से पता नहीं कितने लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। इसका बेसिक मतलब ये है कि जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके इर्द गिर्द जो बाल निकल आएँ उनको साफ़ करना मुस्तहब है। हर हफ्ता बालों को सफाई करना अफजल है और बेहतर है। अगर हफ्ता ना कर सके तो 15 दिन में, और अगर 15 दिन भी ना कर सके तो 40 दिन इसकी मैक्सिमम लिमिट है। 40 दिन से ज़्यादा ताखीर करना मकरूह है और गुनाह का सबब है, क्योंकि ये वो जगह है जो कि इसका ताल्लुक इंसान की, आसान अल्फाज में इस तरह कहूँगा कि ये प्राइवेट पार्ट है, ये आपकी सतर का हिस्सा है। तो यहाँ पर सतर का ख्याल रखना ज़रूरी है। इस मकसद के लिए किसी और से मदद लेना ये जायज़ नहीं है। ख़ास तौर पे ख्वातीन में आजकल के ज़माने में ये ट्रेंड है कि वो बॉडी वैक्स करवाते हुए अपने जो उनके जो सतर के हिस्से हैं उनको उनका ख्याल नहीं रखती हैं, लेकिन हमारी शरीयत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। जो आपके सतर है उसको, सतर को छुपा के रखना है उसको, आप इस मकसद के लिए भी किसी के सामने नहीं खोल सकते। वो आप सिर्फ किसी तबीब के सामने ज़रूर सतर खोला जा सकता है इलाज की नीयत से, ये इलाज में शामिल नहीं है। लिहाजा इस चीज़ का ज़हन में रखना ज़रूरी है। किताबों में अलबत्ता यह बात ज़रूर लिखी है कि अगर ज़ौजैन एक दूसरे से इस काम में मदद लेना चाहें तो उसकी इजाज़त है, मगर फिर भी हया के तकाजे में इससे बचना बेहतर है। इसमें भी जो असल सुन्नत इब्राहिमी है वो तो बालों को उखाड़ना है, प्लक करना है, लेकिन दैट कैन बी क्वाइट पेनफुल, तो इसलिए अगर आप उस तरह का इस्तेमाल करें तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, शेव कर लेने में भी कोई हर्ज नहीं है। बालों की सफाई में अफजल ये है कि ऊपर से शुरू किया जाए, यानी कि राइट साइड से। इसकी मैक्सिमम लिमिट टू बी वेरी एक्सप्लिसिट है इसकी, जो ब्लैडर की लाइन होती है ब्लैडर के ऊपर से इसको स्टार्ट किया जाए और वहाँ से जो है इसको ऊपर से शुरू करके नीचे की तरफ जाया जाए, तो ये मसनू तरीका है। और हालत जनाबत में बालों को काटना ये मकरूह है, यानी कि जब इसको किया जाए तो शेव की जाए तो उस वक्त ना किया जाए जब आप हालत जनाबत में हो। ये चंद अहम बातें इस सुन्नत से मुतल्लिक। एक और चीज़ जो अहम है वो ये है कि आप जहाँ के भी बाल साफ़ कर रहे हो, चाहे आप शेव कर रहे हो यानी कि मूछें शेव कर रहे हों, या आप अपने अंडर आर्म साफ़ कर रहे हों, या आप अपने ज़ेरे नाफ़ शेव कर रहे हों, ख़ास तौर पे मर्द हज़रात
ये जो आपके बाल साफ़ होते हैं ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये किसी और ने आके इनकी सफाई करना का वजीफ़ा नहीं लगा हुआ। लिहाजा जब भी अपने बाल साफ़ करें तो उसको ख़ुद साफ़ करके वहीं छोड़ के फेंक के कि अगला आकर देख लेगा अब मेरा काम हो गया, मैंने अपनी सफाई कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत पूरी होगी, ऐसा नहीं है। उस जगह को साफ़ रखना भी सुन्नत के अंदर शामिल है। लिहाजा बालों को साफ़ करने के बाद वहीं फेंक देना कि अगला आके बाथरूम धो लेगा, ये बात दुरुस्त नहीं है। बाथरूम को जब भी इस्तेमाल करें तो इस लिहाज से उसको छोड़ के जाएं कि जिस तरह अगर मुझे पसंद है कि जब मैं बाथरूम में दाखिल हूँ उस तरह हो, तो मेरे बाद भी जो बंदा आए उसको भी बाथरूम वैसा ही मिलना चाहिए। अगर आपको खुश्क बाथरूम पसंद है तो निकलने से पहले बाथरूम को खुश्क करके जाएं। अगर आपको जैसे पसंद नहीं आएगा कि आप बाथरूम में जाएं और हर जगह उसके ऊपर बाल ही बाल पड़े हों, इसी तरह यकीनन दूसरा भी कोई आएगा तो उसको भी ये बात पसंद नहीं। लिहाजा इन सफाई के अंदर ये शामिल है कि इन बातों का ख्याल भी रखा जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बगल के बालों को बहुत साफ़ रखते थे, क्योंकि अक्सर अहादीस में आता है कि जब आप अपनी दुआ के लिए हाथ उठाते थे तो आपकी बगल की सफ़ेदी नज़र आती थी। नाक के जो बाल हैं उनको प्लक करना मना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया नाक के बालों को प्लक करने से, क्योंकि इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्ज पैदा होता है, मगर कैंची से काट लेने में कोई हर्ज नहीं है। बालों को किस तरह डिस्पोज करना चाहिए? बालों को पानी में नहीं बहाना चाहिए, बालों को दफन करना, यानी कि अगर हम खुद दफन नहीं कर सकते तो कम से कम अपने एक लिफाफे में बंद करके गार्बेज में डाल दिया जाए, क्योंकि जब वो लैंडफिल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे वो मदफून हो ही जाते हैं, लेकिन पानी में नहीं बहाना चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। तो ये तो सुन्नतें हो गई किससे मुतल्लिक? बालों से मुतल्लिक। अब हम इंशाल्लाह करते हैं नाखून तराशने से मतलब सुन्नतों के बारे में बात। जैसे कि मैंने बताया कि एक बहुत अच्छी और तवील हदीस मुबारका है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद चीज़ों के बारे में फरमाया कि ये जो है ये सुन्नत इब्राहिमी भी हैं और ये फितरत का हिस्सा भी हैं, जिसमें मूंछों का काटना, नाखून का तराशना या काटना, बगल के बालों का साफ़ करना, ज़ेर नाफ बालों को साफ़ करना और इनको 40 दिन से ज़्यादा ना बढ़ाना, ये सब सुन्नत इब्राहिमी का हिस्सा है और ये इंसान की पर्सनल हाइजीन का हिस्सा है। बहुत से लोग अपने नाखूनों का ख्याल नहीं रखते, नाखून बड़े हुए हुए होते हैं, गंदे हुए हुए होते हैं। ये एक दीनदार शख्स के लिए, एक सुन्नत की पैरवी करते हुए शख्स के लिए ये मुनासिब नहीं है। मैं फिर एक कहूँगा कि सुन्नत सिर्फ दाढ़ी रखना नहीं है, ये एक हमारी बहुत मिसकंसेप्शन है कि जी दाढ़ी रख लिया तो मैं बासुन्नत इंसान हूँ। सुन्नत में ये सब चीज़ें शामिल हैं। सुन्नत इस बात का हुक्म करती है कि हमारी कोई चीज़ जिससे जो हमारी पर्सनल हाइजीन के अंदर या गंदगी का अंसर पैदा हो वो ना हो, तो नाखून भी उन्हीं चीज़ों में शामिल है। हफ्ते में एक बार नाखून का काटना अफजल और बेहतर है, और मसनून दिन जो नाखून काटने का है वो शब जुम्मा से लेके, यानी कि जुम्मे की मगरब से लेके थर्सडे की मगरब से लेके जुमरात की मगरब से लेके जुम्मे की मगरब तक, इस टाइम में किसी वक्त नाखून काटना ये मसनून है। नमाज जुम्मे की नमाज पे जाने से पहले जब बंदा उसके लिए गुस्ल ले उस वक्त काट लेना सबसे बेहतर है। अगर आप हर हफ्ते नहीं काट सकते तो 15 दिन में एक दफ़ा काट लें, और अगर 15 दिन में भी नहीं काटते तो उसको 40 दिन से ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, 40 दिन से ज़्यादा ताखिर करना ये मकरूह है। नाखून क्लिपर से भी काटे जा सकते हैं, नाखून नेल कटर से भी काटे जा सकते हैं, लेकिन नाखून दांतों से नहीं काटे जा सकते, दांत से काटना ये मकरूह है। जो कुछ लोगों को नाखून खाने की आदत होती है, ये नाखून खाने की आदत पर्सनली भी अनहेल्दी है और ये शरीयत के भी ख़िलाफ़ वर्जी है। तो नाखूनों को
या तो क्लिपर से काटें या आप इनको नेल कटर से काटें। नाखून काटने से पहले हाथों को धो लेना, पाँव को धो लेना, ये भी मसनून है। इसको समझ में भी आती है बात, क्योंकि इससे नाखून नरम हो जाते हैं और उसके बाद काटना इनको आसान हो जाता है। नाखून काटने के बाद भी हाथ पाँव धो लेने चाहिए और नाखूनों को काटने के बाद भी नाखून काटते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब आप नाखून काट रहे हो तो नाखून उड़ के बारिश ना हो रही हो। ये एक अक्सर चीज़ होती है कि बंदा नाखून काटते हुए टक टक टक, बस मेरी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई, नाखून अब चाहे जहाँ मर्जी गिरते रहें, लोगों के पाँव के नीचे आएँ, कुछ हो। नाखूनों की बारिश नहीं करनी होती, नाखूनों को काटते वक्त उनको संभाल के रखना होता है और उनको भी जैसे बालों को मदफून करना होता है, नाखूनों को भी मदफून कर उनको भी दफनाना होता है। दफना नहीं सकते तो कम अज़ कम उनको एक लिफाफे में बंद करके अपने गार्बेज का हिस्सा बना दें ताकि वो उसके साथ लैंडफिल में चले जाएँ, लेकिन उनको पानी में मत बहाएँ और उनको ज़मीन पे दूसरों के पाँव के अंदर रुलने के लिए मत छोड़ दें। ये ख़ास ख्याल रखें। नाखून काटने का मसनून तरीका क्या है? नाखून काटने का मसनून तरीका ये है कि हाथों के नाखून काटने का सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले राइट हैंड से शुरू किया जाए और राइट की जो इंडेक्स फिंगर है, जो शहादत की जो उंगली होती है, उससे शुरू किया जाए। इंडेक्स फिंगर पे सेकंड, फिर मिडिल फिंगर, फिर थर्ड फिंगर और फिर सबसे छोटी फिंगर है जैसे पिंकी कहते हैं उसके ऊपर। सो 1, 2, 3, 4, फिर जो है लेफ़्ट हैंड की सबसे छोटी फिंगर, फिर उसके साथ वाली फिंगर, फिर मिडिल फिंगर, फिर इंडेक्स फिंगर, फिर लेफ़्ट हैंड का नाखून और फिर राइट हैंड का नाखून। इसको सबसे आसान तरीका जो याद रखने का वो ये है कि आप जिस तरह दुआ के लिए हाथ उठाते हैं यूँ, और दो आपकी तरफ हाथ फेस कर रहा होता है तो उसकी जो राइट मोस्ट फिंगर है, जब आप दुआ के लिए हाथ उठाएं, अभी सामने दुआ के लिए हाथ उठाएंगे तो जो आपके राइट मोस्ट फिंगर जो है, जो आपको फेस कर रही है, वहाँ से शुरू करें और फिर कीप ऑन मूविंग टूवर्ड्स द लेफ्ट। सो राइट मोस्ट फिंगर आपकी इंडेक्स फिंगर बनती है, उससे फिर आप लेफ़्ट चलते जाएँ तो आपकी थंब पे ख़त्म होगा, लेफ़्ट हैंड के थंब पे, और लेफ़्ट हैंड के थंब पे ख़त्म होने के बाद फिर आप राइट थंब को। तो ये हाथ के नाखून काटने की सुन्नत मुबारक ये है। लेफ़्ट पाँव के नाखून काटने की सुन्नत मुबारक ये है कि दोनों पाँव को बिल्कुल साथ कर लें, सबसे छोटी उंगली राइट फुट की सबसे छोटी उंगली से शुरू करें और फिर काटते काटते लेफ़्ट फुट की सबसे छोटी उंगली तक आ जाए। पाँव का इस तरह है राइट टू लेफ़्ट, और हाथों का इस तरह है कि आप यहाँ से अपना शुरू करके जो है दुआ की जिस तरह किया वो अपनी तरफ, जब आपके दोनों पाँव फेस हो रहे हों उसमें आपकी राइट मोस्ट फिंगर है उससे शुरू करके फिर ऑल द वे अप टू लेफ़्ट हैंड का थंब और फिर लेफ़्ट हैंड के थंब के बाद अपने राइट हैंड के अंगूठे के ऊपर। तो ये सुन्नत मुबारक है नाखून काटने का। हालत जनाबत में भी नाखून काटना मकरूह है, लिहाजा अगर हालत जनाबत हो तो उसमें भी नाखून मकरूह है, उनमें भी नाखून नहीं काटने चाहिए। तो ये कुछ सुन्नतें थीं जो कि पर्सनल हाइजीन से जिनका ताल्लुक था। इनको हमें इंशाल्लाह अपने आप को साफ़ सुथरा रखने, अपने आप को प्रेजेंटेबल रखने, अपने आप को ऐसा रखने कि इससे हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, इस नीयत से, और सबसे बढ़कर इस नीयत से कि ये आप सल्लम की महबूब सुन्नतें हैं, इन पे अमल करने से हमें इबादत का सवाब भी मिलेगा, इस पे अल्लाह सुब्हान ताला की मोहब्बत, अल्लाह सुब्हान ताला की अनायत भी हमारी तरफ मुतवज्जे होगी और हमें हमारे दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत भी, अल्लाह सुब्हान ताला तो पे अमल करने को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह।